evening, everyone. Hello, Shalini. How are you? I'm not able to see the comments, guys. So, अगर आपने join किया है and if I'm audible and visible properly, please comment and tell me. कमेंट्स हैं कोई? आई कैन सी ओनली शालिनी कमेंट. सिर्फ उनका ही है. How many of them have joined? 48. हेलो विनीता जी, आई एम गुड शालिनी, थैंक यू फॉर आस्किंग. बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी लाई हूँ आज, बहुत मोस्ट डिमांडेड रेसिपी आप कह सकते हैं. मुझे खुद पर्सनल पे मेरे व्हाट्सएप पे कितने मैसेजेस आए हैं इस रेसिपी के लिए. इसके कई सारे वेरिएशन हैं, बट शुरुआत आज कर रही हूँ अमूल के पेज पे, बिकॉज बहुत सारी आई एम गुड सोनिया जी, हाउ आर यू, हेलो. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे, और आपको पता है अमूल इज़ द टेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रांड ऑफ इंडिया, और अमूल में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमें यूज़ करनी है. इसीलिए आज हम बना रहे हैं अफगानी मलाई सोया चाप. तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि लोग सीख सकें. और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, इसे थोड़ा सा हटा देती हूँ. आज थोड़ा सा सेटअप अलग है क्योंकि हमें ग्रिल भी करना है, तो आज इंडक्शन पे सिर्फ काम नहीं होगा, तो मैंने गैस का कनेक्शन लगाया है यहाँ पे आप सबके लिए, तो इसलिए थोड़ा सेटअप अलग है. इंट्रोडक्शन कर दूं, सबसे पहले मेरा नाम है गायत्री रतन फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, और मेरा अपना यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब, जैसे कि आप देख रहे हैं. और अमूल के पेज पे पिछले 2 सालों से लाइव कर रही हूँ. अमूल के साथ एक बहुत ही प्यारा रिश्ता बन चुका है, और आप सब ने मुझे पहले भी लाइव देखा होगा. अगर आप नए हैं तो इसीलिए इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ, और यहाँ पे बेकिंग और कुकिंग की क्लासेस लेती हूँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. उसके अलावा मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे खुद के फेसबुक के 2 पेजेस हैं, और इंस्टा की 2 IDs हैं. सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. फेसबुक पेज पे जो मेरा पेज है गायत्रीज कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस, उस पर मैं बहुत सारे लाइव सेशंस करती हूँ, फ्री लाइव सेशंस, ताकि आप बहुत ही बढ़िया रेसिपीज सीख सकें. तो मैं आप सब से थैंक यू विनीता फॉर दिस लवली रोज, हाय प्रिया. तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मुझे यहाँ देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं, और आप बहुत सारी रेसिपीज और सीखना चाहते हैं बेकिंग और कुकिंग की, तो एक तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए जिसका नाम है गायत्रीज कुकिंग क्लब, और उसे सब्सक्राइब कीजिए. वहाँ आपको बहुत बढ़िया रेसिपीज मिलेंगी. साथ ही में आप मेरे Facebook पेजेस को फॉलो कीजिए, Insta को फॉलो कीजिए. Facebook पेज पे आपको बहुत सारे फ्री लाइव सेशंस मिल जाएंगे. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. तो आज हम बना रहे हैं अफगानी मलाई सोया चाप. तो यहाँ देखिए मैंने रखे हैं सोया चाप. अब ये कुछ इस तरह से फ्रोजन का पैकेट लिया था मैंने, इस तरह से स्टिक में आते हैं, तो इनको आपको पहले फ्रीजर में स्टोर करना है. हाय दादाजी, आपको इन्हें फ्रीजर में स्टोर करना है. जब भी आपको बनाना हो इन्हें 1 घंटे पहले निकाल लीजिए. निकाल के इन्हें रूम टेम्परेचर पे थॉ कीजिए, और उसके बाद क्योंकि ये प्रोटीन है,
इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो प्रोटीन जो है वो टेस्ट करता है हमेशा, उसे या तो फ्राई करना पड़ता है, तो वो प्रोटीन जो है फ्लेवर्स को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये एक पैकेट हाफ के जी का लिया जिसमें अराउंड 7 sticks निकली सोया चाप की, उनको थॉ करके फिर मैंने उनकी स्टिक्स निकाल ली। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से उसकी स्टिक्स निकल जाती हैं। फिर मैंने उनको सिर्फ फ्राई किया है। अब ये देखिए, मैंने इनको सिर्फ गोल्डन होने तक फ्राई किया है, तो आप इन्हें इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। ये फुल स्टिक मैंने फ्राई की है, सिर्फ कैंडी स्टिक निकाल के इसे एज इट इज तेल में फ्राई कर लिया। अगर आप चाहे तो इस तरह से क्यूब्स में कट करके भी फ्राई कर सकते हैं, मैंने दोनों तरह से किया है। और एक स्टिक के आप 3 pieces कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें मैंने फ्राई करके रख लिया है क्योंकि हम टाइम को बचाना चाहते हैं। और अब ये फ्राइड रेडी है, अब हम चलेंगे इसकी मैरिनेशन की तरफ। तो अब मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। इट्स ओके विनीता जी, तो आई होप इट्स विजिबल, आप सब देख पा रहे हैं। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा जूम कर दो, थोड़ा सा आप हल्का सा जूम कर दो। थोड़ा सा इसको हटा दो, दिख रहा है, विजिबल है ना। तो यहाँ हम शुरू करते हैं इसका मैरिनेशन। तो सबसे पहले क्योंकि हम ये टिक्का स्टाइल में बना रहे हैं, तो मैं यहाँ ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ मैंने लिया है 1/2 tablespoon मस्टर्ड ऑयल। अगर आप मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज करना चाहते तो आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ दही, तो ये 1/2 cup दही है जिसको मैंने इस तरह से छन्नी में रख लिया था, इसका एक्सेस वाटर निकाल दिया है हमने, ज़्यादा नहीं निकालना है। और साथ ही में अब हम इसमें डाल रहे हैं काजू पेस्ट। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ करीब 2 tablespoon काजू को मैंने भिगो दिया था, काजू टुकड़ा को मैंने भिगो दिया था और उसकी पेस्ट बनाई है, तो ये करीब 2 tablespoon इसमें जाएगी। काजू पेस्ट से इसको एक अच्छी थिकनिंग मिलेगी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट, ये करीब 1 tablespoon है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। तो यहाँ मैं ले रही हूँ अमूल की फ्रेश क्रीम, यहाँ मैं ले रही हूँ अमूल की फ्रेश क्रीम और ये हम डालेंगे करीब 3 tablespoon। तो मैं आईबॉल करके 3 tablespoon डाल दूंगी क्योंकि ये मलाई चाप है तो मलाई का होना बहुत जरूरी है और अमूल की क्रीम एक अच्छी रिचनेस देती है इसे। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इन सब चीजों को। अब इसमें जाएगा चीज, तो मैं यहां से लूंगी 1 cube अमूल के चीज का और इसे हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो 2 cubes भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे हम इस मैरिनेशन में। रेसिपी
पहले मैं मैरिनेशन बना के सोया चाप को हम मैरिनेशन में डाल देते हैं, फिर मैं आप रेसिपी रिपीट कर लूंगी। और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। अब यहाँ पे आप व्हाइट पेपर पाउडर डाल सकते हैं, आई मीन व्हाइट पेपर पाउडर ही डालना है, बट मेरे पास ब्लैक था तो मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास व्हाइट पेपर पाउडर है तो आप डाल सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ ये है जीरा पाउडर 1 टीस्पून। चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। शेयर कर दीजिए गाइस, जिन लोगों ने काफी अरसे से इसकी डिमांड की है आपको रेसिपी में लाई हो तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और साथ ही में जो नए हैं वो प्लीज मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पेजेस और इंस्टा आईडीज को फॉलो कीजिए ताकि आपको मेरे फेसबुक पेज पे भी बहुत सारे लाइव सेशंस मिलेंगे। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून काला नमक ब्लैक सॉल्ट। और साथ ही मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून के करीब हमारा रेगुलर सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून ही डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें मैं जार डालूंगी कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ये रोस्टेड है, कसूरी मेथी को रोस्ट करके मैंने क्रश कर लिया है। हाय रीना जी, हाय स्नेहा जी। तो ये देखिए इसका एक थिक मैरिनेशन बन गया है। अब इस स्टेज पे आप मैरिनेशन को टेस्ट करके देखिएगा कि नमक सीजनिंग जो है वो परफेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि सोया चाप में अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, इसलिए हमें इस तरह से फ्लेवर्स जो है चेक करने पड़ते हैं। हाय स्मिता जी। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे मैरिनेटेड सोया चाप। तो अब मैं आपको बता दूं, ये मैंने होल इसलिए रखे थे ताकि आपको बता दूं कि इसके पीस कैसे करने हैं। होल स्टिक को फ्राई किया, अगर आपने होल स्टिक को फ्राई किया तो आपको इसको 3 पीसेस में कट कर, तो ये देखिए ये इस तरह से खुल जाता है। हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो ये जो मैंने फ्राई करके रखे हैं इनको अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेशन में ताकि ये अच्छे से फ्लेवर एब्जॉर्ब करें। अब इसको मैरिनेट करके आपको कम से कम आधा घंटा तो रखना है, जैसे कि मैंने कहा कि सोया चाप में अपना कोई फ्लेवर नहीं होता तो ये मैरिनेशन से ही फ्लेवर लेगा। तो जब तक हम इसे, जितनी देर मैं आपके रेसिपी को रिपीट कर रही हूँ मैं उतनी देर ही इसे मैरिनेट करूंगी, क्योंकि ये लाइव सेशन है
तो हम इसे ज्यादा देर मैरिनेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट हाफ एन आवर आप इसको मैरिनेटेड रखें। ये देखिए इस तरह से ये अच्छी तरह से कोट हो जाना चाहिए इसमें। और फ्राई करने से एक और चीज होती है कि ये ऑलरेडी पक चुका है, ये बाद में मैं एक कर दूंगी, ये ऑलरेडी पक चुका है तो हमें इसे सिर्फ ग्रिल करना है, तो ये इसके कच्चे रहने के कोई चांसेस नहीं रहते। अब मैं रेसिपी रिपीट कर लेती हूँ। मैंने, हेलो लाडी जी, हाउ आर यू, मैंने ले लिया एक पैक फ्रोजन सोया चाप का जो कि इस तरह से आता है, देखिए उसे मैंने रूम टेम्परेचर पे थॉ कर लिया, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आने दिया फ्रीजर से निकाल के, उसके बाद मैंने उसे फ्राई किया है। होल स्टिक भी मैंने दिखा दिया, उसमें कैंडी स्टिक्स होती है, आप वो कैंडी स्टिक्स निकाल लें, वो इजीली निकल जाती हैं जब एक बार वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। फिर मैंने उसे ऑयल में फ्राई कर लिया, और आपको मैंने बताया कि आप डाइस करके भी फ्राई कर सकते हो, या तो आप बोल को भी फ्राई करके फिर डाइस कर सकते हो। जो मैरिनेशन है उसमें हमने लिया हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो आप उसकी जगह रिफाइन ऑयल या मेल्टेड बटर ले सकते हो। बटर निकाल के मत लाओ, ये और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया कर्ड, आधा कप दही लिया मैंने, उसे छन्नी में डाल के रखा, ज़्यादा उसे ड्राई नहीं करना है, सेशन चालू होने के 10 मिनट पहले ही मैंने उसे रखा ताकि उसका एक्सेस पानी निकल जाए, ज़्यादा दही को हार्ड नहीं करना है क्योंकि ये सोया चाप भी ड्राई है, ये प्रोटीन है, ये मॉइस्चर को सोक करेगा, अगर हमने दही का मॉइस्चर कम रखा तो क्या होगा, ये बहुत ड्राई बनेंगे जो कि हम नहीं चाहते। तो दही को मैंने थोड़ी देर छन्नी में रख के उसका एक्सेस पानी सिर्फ निकाला, तो मस्टर्ड ऑयल में मैंने डाला दही, उसके बाद मैंने डाला 2 टेबलस्पून काजू पेस्ट, और 3 टेबलस्पून मैंने डाली अमूल की फ्रेश क्रीम, 1 टेबलस्पून मैंने डाला जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट, और उसके अलावा मैंने डाला है ब्लैक पेपर, मैंने 1 टीस्पून डाला है, जीरा पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला है, चाट मसाला मैंने 1 टीस्पून डाला है, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, और एक चीज़ का क्यूब लेके मैंने ग्रेट करके इसमें मिक्स किया है, और ब्लैक सॉल्ट मैंने डाला है 1/2 टीस्पून, और रेगुलर सॉल्ट मैंने डाला है 1/2 टीस्पून सॉल्ट टू टेस्ट। सारी चीज़ों को मिक्स करके ये जो फ्राइड सोया चाप है इनको हमने मैरिनेट किया है। अब इस स्टेज पे आप इसे कम से कम आधा घंटा, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स में इसे मैरिनेशन दीजिए सो दैट ये फ्लेवर को एब्जॉर्ब कर ले। यस सोनिया जी, यू कैन टेक फ्रेश सोया चाप, ऑल यू हैव टू डू इज फ्राई इट। हाँ ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज फ्राई इट। जय श्री कृष्ण भावना जी, आपको उसे फ्राई करना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन है। देखिए कोई लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, कच्चा भी मैरिनेट करते हैं, लेकिन आप दोनों तरह से बना के देखिएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कच्चा अगर आप मैरिनेट करके बनाओगे तो वो आपको खाते वक्त बहुत रबरी लगेगा, और बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा जैसे आप एक आटे का लंप खा रहे हो। जब ये फ्राई होता है इसमें हाई प्रोटीन होता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको कभी भी पकाने से पहले फ्राई करना पड़ता है या बॉईल करना पड़ता है सो दैट उसका प्रोटीन जो है वो रिलीज हो और फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर सके। ये दो चीज़ें करने के बाद ही इसे पकाया जाता है। और जो हम बना रहे हैं जैसे कि टिक्का बना रहे हैं, अफगानी मलाई सोया चाप टिक्का, तो उसमें इसे फ्राई करके जब आप मैरिनेट करेंगे तो एक तो चीज़ ये होगी कि आपका जो सोया चाप है वो ऑलरेडी फ्राई होके पक चुके हैं। थैंक यू लाडी जी, आपके सोया चाप ऑलरेडी फ्राई होके पक चुके हैं तो आपको उन्हें ज़्यादा वो टेंशन नहीं होगी कि ज़्यादा ग्रिल करना है ताकि उनको पकाएं।
सेकेंडली ये सारे फ्लेवर्स को जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा ना, ये स्टिकी स्टिकी और सॉगी नहीं होगा, एक बाइट जो हम खाते हैं वो आएगी। तो आप, आई होप आई एम क्लियर, मैंने रेसिपी रिपीट कर दी है। तो और कोई क्वेरीज है तो प्लीज पूछ लीजिए। और साथ ही में इसे शेयर कर लीजिएगा ताकि काफी लोग जो सीखना चाहते थे, काफी मुझे रिक्वेस्ट आई थी इस रेसिपी की। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि हम लाइव सेशन कर रहे हैं तो मैं इसे ज्यादा देर तक इस तरह से, मतलब हम इसे मैरिनेट नहीं कर सकते, लेकिन आप जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरह के वुडन स्क्यूअर्स आते हैं, ये देखिए, तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप वुडन स्क्यूअर्स यूज करें तो आपको करना क्या है, आपको उन्हें पानी में भिगो के रखना है। एक लंबा ग्लास पानी का ले लीजिए, उसमें वो स्क्यूअर्स को भिगो के रखिए एटलीस्ट हाफ एन आवर। रीजन कि जब आप डायरेक्ट हीट पे उसे ग्रिल करेंगे, अगर आपका स्क्यूअर गीला होगा तो वो जलेगा नहीं, अगर आपका स्क्यूअर ड्राई होगा तो वो आग पकड़ लेगा, ठीक है। अब मैं यूज कर रही हूँ नॉर्मल स्क्यूअर्स जो मुझे ओवन के साथ मिले हैं, तो इनमें अब हम इसे लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं कैप्सिकम का पीस लगा रही हूँ, क्योंकि हमें सोया चाप को ये एक अच्छा, मतलब कहते हैं ना, स्टॉपर का काम करेगा। आप इस जगह पे अनियन भी यूज कर सकते हैं। ये एक्चुअली ग्रिल इसमें ऐसी तरह से रखे जाते हैं, आपको रेडीमेड स्क्यूअर्स मिल जाते हैं हैंडल के साथ, आप वो भी यूज कर सकते हो। अब इसे पिरोएंगे हम, देखिए इस तरह से। थोड़ी थोड़ी गैप रखना है ताकि वो अच्छी तरह से पक सके। इसे मैरिनेट करके थोड़ी देर रखिएगा जरूर, बिल्कुल इसे तुरंत मत बनाइएगा, इसके फ्लेवर्स जो हैं उसे एब्जॉर्ब करने दीजिएगा। प्रीति जी, हम बना रहे हैं अफगानी मलाई सोया चाप। ये इस तरह से एक स्टिक हो गई है, इस पे थोड़ा सा मैरिनेशन लगा देती हूँ मैं। इसी तरह से एक और स्टिक रेडी करेंगे। कोई क्वेश्चन है? नहीं। अगर आप वुडन स्क्यूअर्स यूज करते हैं तो प्लीज, अगर आप वुडन स्क्यूअर्स यूज करते हैं तो प्लीज आप उन्हें सोक करना मत भूलिएगा, नहीं तो वो जल जाएंगे। यस, सोया चाप पी दीजिए। प्लीज रिपीट द रेसिपी।
हरप्रीत जी, ये इसी पेज पे, अमूल के पेज पे ही रहेगा ये लाइव, आप दोबारा देख लीजिएगा आराम से, क्योंकि मैं ऑलरेडी रेसिपी रिपीट कर चुकी हूँ एक बार पूरा प्रोसीजर। मैं समझती हूँ आपने लेट ज्वाइन किया होगा, बट आप पीसफुली से आराम से बाद में देख सकते हैं। आप इसमें अनियन की स्लाइस भी लगा सकते हैं। I'll just wash my hands, please give me. अब हम इन्हें ग्रिल कर लेते हैं। नहीं हरप्रीत जी, बिल्कुल सॉरी मत बोलिए, मैंने आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। इट्स जस्ट दैट कि मैं ऑलरेडी अभी रेसिपी रिपीट कर चुकी हूँ, तो हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने कहा आप पीसफुली आराम से देख सकते हो पूरा स्टेप बाय स्टेप, अगर आपका मिस हुआ है तो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने मुझे डिस्टर्ब किया है, प्लीज डोंट मेंशन दैट, प्लीज डोंट से दैट। मैं यहाँ आई हूँ सिखाने के लिए आप सबको। Visible है ना? Hmm. See. You won't see. तो अब यहाँ मैं फ्लेम जला रही हूँ। अब ये क्या बिल्कुल पका हुआ है, तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसे चार करूंगी ताकि ये इस पे अच्छे से चार के निशान आ जाए, मतलब ग्रिल के निशान आ जाए। बहुत ही खूबसूरत बढ़िया खुशबू आ रही है। और देखिए, क्योंकि हमने जो मैरिनेशन था वो थिक रखा था, इसको चीज से काफी अच्छी बाइंडिंग मिल गई है, और दही जो हमने हल्का सा उसका मॉइस्चर निकाल दिया था उससे काफी अच्छी बाइंडिंग मिल गई है, तो ज्यादा मैरिनेशन आपका ड्रिप नहीं करेगा। I hope you all are enjoying the recipe. बहुत सारी बढ़िया रेसिपीज अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे इंस्टा को, फेसबुक को, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए, आपको बहुत सारे लाइव सेशंस वहां पे भी मिलेंगे।
बढ़िया मार्क्स आ गए हैं इस पे, अगर आप देख सकें तो। अब हम दूसरा जो है उसे ग्रिल कर लेंगे। इसे मैं रख रही हूँ ये चॉपिंग बोर्ड, क्योंकि आगे भी इसका स्टेप बाकी है, तो जाइएगा मत। इसे हम और फ्लेवरफुल बनाने वाले हैं। माइक्रो में ग्रिल ऑप्शन पर कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ओटीजी पे कर सकते हो ग्रिल ऑप्शन पे 200 डिग्री पे फॉर 7 to 8 मिनट्स। माइक्रोवेव पे आप ग्रिल ऑप्शन पे कर सकते हो जब तक आपको ये मार्क्स मिले इस तरह से। ये तो मैं गैस पे इसलिए कर रही हूँ, मैं खुद ओटीजी में करने वाली थी, बट ज्यादातर रेसिपीज मतलब ज्यादातर लोग गैस पे प्रिफर करते हैं, ओटीजी या ग्रिल ना हो उनके पास। अगर आपके पास बारबेक्यू है तो आप उस पे कर सकते हो। और स्पेशली सिर्फ ये दिखाने के लिए मैंने आज अपना गैस जो है ये सेटअप चेंज किया है, अदरवाइज आई मोस्टली कुक ऑन इंडक्शन। तो आप अगर ऐसी और रेसिपी सीखना चाहते हैं तो प्लीज वो भी कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं अमूल की टीम को फॉरवर्ड करूंगी आपकी रिक्वेस्ट। और साथ ही में अगर मैं यहाँ पे अमूल के पेज पे आके नहीं शेयर कर पाई तो मैं अपने पेज पे डेफिनेटली सारी रेसिपीज शेयर करूंगी जो आप सीखना चाहते हैं। ये स्टेप थोड़ा हाथ बचा के कीजिएगा। कोई कमेंट्स है? पसंद आ रही है आपको रेसिपी तो प्लीज एक थम्स अप दे दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए इफ यू आर लाइकिंग द रेसिपी। तो ये डन है, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और अब हम चलेंगे अगले स्टेप पे। बाउल दे दो मुझे यहां से। मुझे कमेंट तो नहीं है ना? नहीं, मुझे पैन दे दो बटन। और चलेंगे इसके अगले स्टेप पे जो इसे और ज्यादा टेस्टी और यमी बनाएगा। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू शार्मी। थोड़ा सा बटर मेल्ट करूंगी मैं अभी अमूल का, बिकॉज हमें इसको बटर से ब्रश करना है। यहाँ रखो, बटर मेल्ट ही कर दो।
मैं सिर्फ बटर को मेल्ट कर रही हूँ बिकॉज हमें इसे ब्रश करना है अभी। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे, देखिए इस बाउल में। और इसमें अब हम डालेंगे हमारा मेल्टेड बटर। इसमें जाएगी थोड़ी सी क्रीम क्योंकि अब हमें इसे फ्लेवरफुल और बनाना है। तो एक टेबलस्पून क्रीम डाल दी मैंने। तो यहाँ पे बटर मेरा मेल्ट हो चुका है, अब इसमें जाएगा बटर। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ करीब एक टेबलस्पून जितना ही बटर। तो यहाँ मेरे पास है प्याज के कुछ लच्छे। अच्छा प्याज डाल रही हूं मैं थोड़ा सा इसमें, साथ ही मैं डाल रही हूं थोड़ा सा चाट मसाला। और अब हमें क्या करना है, इसे हमने करना है टॉस, बटर क्रीम और नींबू और इसके साथ। थोड़ा सा बटर और डाल देती हूँ मैं बिकॉज द गुडनेस ऑफ बटर शुड बी देयर। ये हमारा अफगानी मलाई सोया चाप रेडी है, अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। अब इसके साथ मैंने बनाई है चटनी भी, तो पहले सर्विंग कर लेते हैं। कैमरा थोड़ा क्लोज कर दीजिए प्लीज। क्लोज ज़ूम? हाँ ज़ूम का। हाँ तो यू टेक। इज इट ओके नाउ? रिंकू जी इज इट ओके नाउ? ओके, तो हम अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं।
ये जो है इसकी गुडनेस है, इसे स्किप नहीं करना है, सारा का सारा अच्छी तरह से डालना है तभी मजा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे चटनी। अब ये चटनी मैंने बनाई है दही वाली चटनी, इसमें मैंने डाला है हैंडफुल ऑफ एक मुट्ठी हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते, एक छोटा अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च, थोड़ा सा नींबू का रस, और साथ ही में मैंने इसमें डाला है नमक और चुटकी भर शुगर। और वो चटनी पीसने के बाद मैंने दही ली थी, करीब 1/4 कप ले लीजिए आप, अच्छे से बीट कर लीजिए और उसे मिला लीजिए दही में, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए। तो ये आपकी जो टिक्का के साथ या कबाब्स के साथ दही सा जो चटनी होती है वो है। इसे रख देंगे हम यहाँ पे, और इस तरफ मैं रखूंगी थोड़ा सा लच्छा प्याज। ऊपर से रख दूंगी पुदीना। और रख देंगे एक नींबू की स्लाइस इस तरह से, और इसमें भी हम डाल देंगे चाट मसाला थोड़ा सा। तो लीजिए तैयार है आपका ये अफगानी मलाई सोया चाप। ये हमने बना लिया अफगानी मलाई सोया चाप। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई है। क्या कमेंट्स है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ। राशि गुप्ता हाय। तो ये बना लिया है हमने अपना अफगानी मलाई सोया चाप। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई है, और ये रेसिपी देखा आपने कितनी अच्छी तरह से बन जाती है। और क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो रही है, राखी का पर्व भी आ रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ डिफरेंट सर्व करें अपने भाई के लिए या बहन के लिए, ये इतनी इजी रेसिपी है कि भाई भी बहन के लिए बना सकता है और बहन भी भाई के लिए बना सकती है, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, इसे जरूर ट्राई कीजिए इस रक्षाबंधन पे, क्योंकि ये वेजिटेरियन है। तो इसी तरह से और रेसिपीज देखने के लिए जुड़े रहिए अमूल के पेज के साथ। साथ ही में जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टा आईडीज और फेसबुक पेजेस को फॉलो कीजिए, ताकि वहां पे भी आपको बहुत ही बढ़िया सेशंस मिलेंगे। और कोई रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। तो रेसिपी को लेके अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू भावना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रीति जी।
राशि जी, मैंने एक बाउल में लिया हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और उसमें मैंने डाला हंकड़ तो नहीं कह सकते आप, मॉइस्चर निकाल दिया था दही का मैंने छन्नी में रख के, और वो डाला मैंने आधा कप। साथ ही में मैंने उसमें डाला 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, 1 क्यूब चीज का, और उसके बाद मैंने उसमें डाला जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट 1 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने उसमें डाला 1 टीस्पून ब्लैक पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट, 1/2 टीस्पून मैंने डाला धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने डाला गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने डाला कसूरी मेथी, और सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैरिनेशन को। और सोया चाप जो थे फ्रोजन, उनको पहले मैंने थॉ करके रख लिया था और फ्राई कर लिया था तेल में, उसके मैंने क्यूब्स कट किए और इस मैरिनेशन में डाला। और मैरिनेट करके आपको इसे कम से कम आधा घंटा रखना है, बट क्योंकि हम लाइव सेशन कर रहे हैं मैं इतनी देर से नहीं रख सकती, तो बाद में मैंने इसे स्क्यूअर में लगाया और लगा के मैंने ग्रिल किया। ग्रिल करने के बाद मैंने एक पैन में बटर को मेल्ट किया और जो हमने बनाए थे सोया चाप जो ग्रिल किए थे उनको एक बाउल में डाला। उसमें डाली मैंने 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, करीब 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, चाट मसाला, लच्छा प्याज और थोड़ा नींबू का रस, और उसे टॉस कर दिया और सर्व किया आपके सामने विद लच्छा प्याज और साथ में ये दही की चटनी के साथ। इट्स ओके राशि जी, तो फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह से नई रेसिपी के साथ। थैंक यू अमूल फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन फॉर ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। अमूल ने हमें मौका दिया है कि हम आके अपनी बढ़िया रेसिपीज आप सबके साथ शेयर कर सकें, तो आप भी जुड़े रहिए। और अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और मेरे पेजेस को इंस्टा को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में। कल आ रही हूँ फिर एक नई मिठाई लेके शाम के 6 बजे, तो ज़रूर